मैं दीप्त गुप्ता हूँ और बीकानेर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट ट्रेड में हूँ। पिछले 23 साल से इस कंपनी के अंदर हूँ और इस इंडस्ट्री को मैंने बहुत बेसिक इंडस्ट्री से देखा है, जब एक हलवाई की दुकान होती थी और हलवाई की दुकान से प्रोफेशनल इंडस्ट्री में कन्वर्ट होते हुए देखी जर्नी है मेरी। इस जर्नी के अंदर परचेजिंग एक बहुत बड़ा रोल रहा है और शुरुआत में हम किस तरह से परचेज खरीदारी पे बेस होकर करते थे, टोटल होलसेलर्स का ही मेन रोल होता था जिससे कि थ्रू परचेज होती थी, लेकिन समय के हिसाब से बहुत कुछ चेंज आया। पॉसिबल नहीं आज की डेट में कि हर मंडी में जाके हर मैन्युफैक्चरर के पास जाके ये वैल्यू चेंज का काम कर सके और आइडेंटिफाई कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म की नीड जनरेट हुई। बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म पे सॉल्यूशंस हैं लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव सॉल्यूशन हैं और प्रॉब्लम क्या है उन सॉल्यूशंस में कि वो इंडिया के हिसाब से नहीं बने हुए। यहाँ फार्मर अवेयर नहीं है, ब्रोकर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर और मैन्युफैक्चरर भी एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। पहले हमारा ऐसे परचेज चलता था कि हम वेंडर को फ़ोन करते थे, हमने उनसे मेल पर रेट ले लिए, वो हमने उनको बता दिया, ये सारा कुछ, कोई ऑप्शन का प्रोसेस नहीं था हमारे यहाँ पे। फिर अरीबा लेके आए हम सैप का प्रोडक्ट, हमने फिर वहाँ से बिडिंग करना शुरू किया। बिडिंग करते टाइम पे हमें पता चला कि हाँ, बिडिंग के थ्रू से हम एक आइटम को हम 5 वेंडर्स 10 वेंडर्स से हम रेट ले सकते हैं कि जिससे हमें सस्ता पड़ेगा हम उसको ऑर्डर देंगे। हमने अरीबा यूज़ किया, अरीबा यूज़ करते टाइम पे बहुत सारे इशूज़ आए हमें एक आइटम को ऑक्शन करने में, ऑलमोस्ट हमें 13 से 15 दिन लगते थे। वो हमने 2 साल यूज़ करने के बाद अब हमारा प्रोकॉल पे एग्रीबिड ऐप बेस्ड है। तो इसमें क्या है, वेंडर को सबसे ज़्यादा फिजिबिलिटी ये होती है कि वो कहीं पे भी रास्ते में चल रहा है, कहीं पे बैठा हुआ, किसी मीटिंग में बैठा हुआ, रेट दे सकता है। वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है हमारे लिए। ये यूज़र फ्रेंडली के साथ साथ इसमें हमारी चीज़ें स्मूथ हैं कि हमें बहुत ज़्यादा वो जो पैरामीटर्स है या फिर जो हमें बोल लो सिलेक्शन क्राइटेरिया ये सारे जो है इसमें हमारे पास कम है। हम इसको अच्छे तरीके से एक अगर एज अ यूज़र बोलो तो मैं भी बहुत इससे हैप्पी हूँ कि हमें इसको अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। और वेंडर, अगर वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो उसके लिए भी फ्री है बिल्कुल, कि उसको सिर्फ अपनी चीज़ें दिख रही हैं, उसको कुछ नहीं करना है। ऐप उसने खोला, ऐप पे रेट डाला, सबमिट किया, रेट सबमिट, उसको उसका रैंक दिख रहा है। ये हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है। इससे सेलर और बायर दोनों ही कंफर्टेबल हैं। इमीडिएटली आपको अगर छोटी सी क्वांटिटी भी चाहिए तो आप ऑक्शन करो, इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स आ जाता है और 10-15 मिनट में 20 मिनट में आपको क्लोज करके रेट में भी कन्वर्ट किया जाता है। जिस तरह से प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया है और उसमें सप्लाई चेन के सॉल्यूशंस और वेंडर रेवोल्यूशन, वेंडर ऑडिट सिस्टम जो दिया है ना, वो एक वैल्यू एडिशन है जो कि इंडस्ट्री में एक आम आदमी अभी इस तरह से नहीं करता है। और वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके सिस्टम के और बेनिफिट्स भी लोगों को पता चलेंगे कि परचेज के दूसरे साइड में भी कहाँ एफिशिएंसी आ सकती है, कितनी एफिशिएंसी आ सकती है।